आ चुका है हमारे पास नॉइस का ब्लूटूथ हेडसेट, जिसको मैंने ऑर्डर किया था नॉइस से, और काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ इन्होंने दिया हुआ है, मानना पड़ेगा कंटेंट तो इसके अंदर होगा। तो ये है नॉइस का ट्रू लाइट एक्टिव ब्लैक एडिशन, क्योंकि रेड वाला तो इसमें अवेलेबल नहीं था। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ इसका बॉक्स, एज यू कैन सी, काफी अच्छी प्रीमियम पैकिंग के साथ आई हुई है, कहीं से कुछ ब्रेकडाउन नहीं है। पीछे आप इसके देख सकते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलेंगे, 10 घंटे का बैटरी बैकअप है, वाटर रेजिस्टेंट है IPX5, मैग्नेटिक बड्स हैं इसके। तो ये है कुछ इसके मेन कंटेंट, बाकी इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये इसकी अनबॉक्सिंग, अब देखते हैं इसके अंदर बॉक्स कंटेंट क्या है। वैसे यार पैकिंग तो मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है इनकी। ये है इसका बॉक्स, इसके अंदर ये कुछ मैनुअल्स हैं, ये वारंटी कार्ड है, और ये पूरा खाली इसे रखते हैं साइड में। ये इनका कुछ रजिस्टर और वारंटी, जो इनके वेबसाइट पे जाके आपको अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपकी 1 साल की वारंटी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। रोहित शर्मा है, ये यूज़र मैनुअल है, जिसे आपको फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे होने वाला है। कुछ कॉमन से फ्यूचर है, लॉन्ग प्रेस पे 3 सेकंड पे चालू हो जाएगा एंड समथिंग समथिंग। ठीक है, तो देख लेंगे प्ले पुश के लिए क्या फंक्शन है, इसे रखते हैं साइड। अब ये आता है इसका मेन, तो मानना ही पड़ेगा सबसे चीज सबसे पहले निकालते हैं। ये कुछ केबल है, लेंथ शॉर्ट है बट क्वालिटी अच्छी है। कुछ ईयरबड्स हैं इसके साथ में, एक उसके अंदर लगा हुआ है और ये इसके अंदर छोटे छोटे दो ईयरबड है, और ये एक लगा हुआ पेयर और एक पेयर इनके साथ में दिया हुआ है। तो अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। तो भाई पहले नजर में देख के फील तो काफी अच्छी आ रही है, ये निकाल लेते हैं यहाँ से। काफी ज्यादा अच्छी पैकिंग की हुई है, कर लेते हैं चीजों को सही। तो ये है इसके साथ मिली हुई चीजें, और ये तो अब इन चीजों को करते हैं साइड। और ये है नेक बैंड, फील काफी अच्छी है, बनाया हुआ काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी यार सच्ची बहुत अच्छी है। अगर ये कलर में आ जाता तो और भी अच्छा लगता, बट ठीक है ब्लैक है, डिसेंट सा लगता है, काफी रगेड फील है। केबल भी काफी मोटी है, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये इसके 10 mm के ड्राइवर हैं, जो काफी अच्छा आउटपुट देंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चार्जिंग स्लॉट, यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ और कम ज्यादा करने के लिए बटन्स, इन्हीं बटन से आप सॉन्ग चेंज भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। कोई नोटिफिकेशन की लाइट यहाँ पे दी हुई है, ये शायद माइक है, तो इसको कर लेते हैं टर्न ऑन और फिर देखते हैं कैसा है। बाकी एक फील के लिए काफी अच्छा है, हाथ में आप ऐसे ले सकते हो, इन्हें ऐसे किया, ऐसे किया और पॉकेट में रखा, चल दिया। तो ठीक है, अब इसको करते हैं चालू और फिर देखते हैं क्या है चीज। लेते हैं इसे चालू, इसे लॉन्ग प्रेस करना है आपको 3 सेकंड के लिए, और ये हो गया देखो एक्टिव, ब्लू इंडिकेशन आ गई। और ये जब ऐसा ब्लिंक करता है तो ये पेयर होने के लिए रेडी है। अब मैं अपने डिवाइस में इसे कर लेता हूँ कनेक्ट, ब्लूटूथ हो गया मेरा ऑन। देखिए मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था तो हो गया। अगर आप एंड्रॉयड लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा, उसमें बैटरी वगैरह सब बता रहा है, इस वक्त ये फुल्ली चार्ज है इस वक्त। ठीक है, अब ये डिवाइस हो चुका है कनेक्ट, अब प्ले करेंगे इसके अंदर कुछ सॉन्ग और देखते हैं क्या है इसका रिस्पॉन्स। तो मैं यहीं से डायरेक्टली कोई भी एक सॉन्ग लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए सॉन्ग हो गया प्ले। अब हम इसे कंट्रोल करके देखते हैं
ठीक है, आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और यार आवाज़ बहुत सही आ रही है। अगर अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ माइक के पास और आवाज़ भी कर लेता हूँ फुल। ये देखिए काफ़ी अच्छी आवाज़ है यार। बस यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मैंने उनके बर्थडे सेल में लिया हुआ था तो मेरे को पड़ा 1319 रुपीज़ का। नॉर्मली 1400 में आता है, अमेजोन वगैरह पे 1300-1400 रुपये में मिल जाता है। और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अभी तक मैंने जितने भी ब्लूटूथ ट्राई किए मुझे तो सही लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ सही है। बिग थम्स अप टू नॉइस। डिलीवरी आई है मुझे 4 से 5 दिन के अंदर, क्योंकि उनका सेल चल रहा था, क्वालिटी भी ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।